फॉर्मूला है, इसे डी से डिनोट करते हैं, ये डी से डिनोट कर दिया, और हम चाहे एक्स टू माइनस एक्स वन कर सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन कर सकते हैं, या हम फिर यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू कर सकते हैं, दोनों ही चलेंगे इसमें, क्यों होल स्क्वायर होता है ना, तो होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे या बी माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे सेम रिजल्ट देंगे, ऐसे ही एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर करो या एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर करो सेम रिजल्ट देंगे। ये तो एक आपका जनरल बात है जिसे आपको दिमाग में रखना है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन करो या एक्स वन माइनस एक्स टू करो, तो अगर हम यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर करते हैं प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर करते हैं, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला में ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स का पेयर दिया हुआ है, एक पेयर है 2, 3 और दूसरा है आपका 4, 1। अब इसे अपने मन में नंबरिंग कर सकते हो या लिख भी सकते हो, फर्स्ट इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो ये आपकी समझने वाली बात है कि कौन एक्स वन होगा कौन एक्स टू होगा। पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो एक्स वन दिया, दूसरा वाला वाई होता है वाई वन, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं आपको, तो एक को एक्स वन वाई वन एक को एक्स टू वाई टू ले लिया। अब हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, स्क्वायर रूट डालना ना भूलें, स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर होता है। हमने फॉर्मूला क्या अभी लिखा था, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं या स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, एक्स टू की वैल्यू है 4, बीच में माइनस साइन आएगा, और एक्स टू यहाँ पर हमने एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा था, ये एक्स वन है यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स वन कौन है 2 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर, वाई टू की वैल्यू 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, डिस्टेंस डी, स्क्वायर रूट का साइन पुट अप करो, 4 में से 2 माइनस करेंगे आपको फाइंड होगा 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव बड़े नंबर का साइन पुट अप करोगे होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होता है, देन यू विल गेट 4। अब हम इसे 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। अब इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे, बड़ा नंबर है तो फैक्टर्स कर लो उसके, 8 के प्राइम फैक्टर्स करोगे, 2 से कटेगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2, 2 से डिवाइड होगा 1, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 ये फैक्टर्स आ गए, तो इसके अंदर आप फैक्टर्स लिख दीजिए, 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 8 के, वो प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 2 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ से 2 और ब्रैकेट में बचा 2, यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं लिखा मीटर में या सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख देंगे यूनिट, कोई भी यूनिट होगी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हमने क्या निकाला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट था 2, 3, एक था 4, 1, इसको एक्स वन इसको वाई वन इसको एक्स टू इसको वाई टू लिया, डिस्टेंस फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल, एक्स टू है 4 लिख दिया,
एक्स वन है 2 लिख दिया, बीच में माइनस का साइन आएगा, ये प्लस है, वाई टू 1 और वाई 1 3, तो 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस 2, 2 का स्क्वायर आया, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 2 4 होगा, माइनस 2, माइनस 2 का दो बार मल्टीप्लाई सेल्फ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4, 4 प्लस 4 हुआ 8, और 8 के हमने कर लिए प्राइम फैक्टर्स, ये यहाँ पर इसका पेयर बना लिया, स्क्वायर रूट निकालते थे 8th क्लास में, 2 ए रूट 2 बाहर एक में, यूनिट लिख देंगे, यूनिट बस इतना छोड़ देंगे। अब हम इसका देख रहे हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम लिखे लेते हैं, -5 7 और दूसरा है -1 3, ये आपका पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी होते हो सकते हैं पॉइंट्स। इसको हम नंबरिंग करेंगे, नेमिंग x1 y1 x2 y2। अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 minus x1 का होल स्क्वायर y2 minus y1 का होल स्क्वायर, ऊपर इसके स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, ए स्क्वायर रूट का साइन पूरे के ऊपर लगाते हैं d। हमने पहले भी आपको कहा है कई कोई भी x1 minus x2 लिख सकता है, y1 minus y2 लिख सकता है, होल स्क्वायर लगने से वैल्यू सेम आती है, डोंट वरी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से पॉइंट से, x2 कितना है -1, ये -1 ओरिजिनल फार्मूला का है, x1 कितना है -5, तो 2 5 ये -5 आ जाएगा। देखिए यहाँ से कन्फ्यूज मत होइए, -1 और माइनस फार्मूला का और -5 के साथ भी लगाया तो डबल माइनस यहाँ आ जाएगा, डोंट वरी। ब्रैकेट में लेना चाहो इसको तो ब्रैकेट में ले लो, नहीं ऐसे लिख दो, y2 3 और y1 7, इसका होल स्क्वायर, तो d = -1, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +5, 5 का होल स्क्वायर, 3 में से 7 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 3 में से 7 नहीं जा सकता, 7 में से 3 जाएगा 4, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस आएगा, -4 का होल स्क्वायर, d = 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और -4 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसमें आपने किया था -4 -4 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होगा, 4 4 जाए 16, डोंट वरी, तो 16 आ गया, और d = यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 into 4 16, और 16 मिल करके हो जाएगा √32। अब 32 के फिर प्राइम फैक्टर्स करिए, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लीजिए 2, 2 से 32 को डिवाइड करेंगे हाफ हो गया 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हाफ हो गया 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, इसके सारे फैक्टर्स स्क्वायर रूट के अंदर पुट अप करिए, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, ए वन पेयर, जब भी पेयर बाहर आएगा, जब ये पेयर बाहर आएगा 2, ये पेयर बाहर आएगा 2, अब इसका कोई पेयर नहीं बना तो यही रखेंगे, d = d4 distance, ये डिस्टेंस को d से डिनोट किया तो a 2 2 जा 4 √2, ए यहाँ पर यूनिट लिख देंगे यूनिट, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आया 4 √2 आया, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आई। आपके पॉइंट्स क्या थे, -5 7, -1 और 3, इसको x1 लिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 minus x1 का होल स्क्वायर +y2 minus y1 का होल स्क्वायर, तो हमने x2 लिखा, x2 है -1 और x1 है -5, माइनस तो ये फार्मूला का आया और ये माइनस पॉइंट के साथ लगा है, कोऑर्डिनेट के साथ लगा है, तो -5 आ गया, प्लस y2 है 3, माइनस फार्मूला का ये 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 plus 5, 7 में से 3 जाएगा 4, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, 5 में से बन गया 4, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 16, अभी समझाया, 5 में से बन गया 4,
फोर का स्क्वायर, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू, थर्टी टू के प्राइम फैक्टर्स करें, ये टू से हो गया, ए टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू, फाइव टाइम्स आया, टू का पेयर बना, बाहर आ गया, टू इंटू टू का पेयर एक बाहर आ गया, ये रूट टू, टू टू या फोर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करी, ये आपका आंसर है, इधर आंसर आपका था ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की सॉल्व करने की तैयारी करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे अब हम, और जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर हम। थर्ड पॉइंट है ए बी एंड माइनस ए माइनस बी, तो इसमें एलजेब्रिक फॉर्म में दिया है, यहाँ डिजिट्स नहीं दिए हैं, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, जैसे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ऐसे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसे लेट करेंगे, क्या कहते हैं, हिला रहे हैं, एक्स वन इसको लेट करेंगे, वाई वन, एक्स टू, वाई टू, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए और उसको लिखिए, फार्मूला याद करना लिखना ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस, तो a x2, x2 क्या है माइनस a माइनस x1 कितना है a, तो हमने a लिख दिया, प्लस y2 कितना है माइनस b, फॉर्मूला का माइनस, और y1 यहाँ पर कितना है b, तो a आ गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। जैसे आपने थ्योरी में क्या पढ़ा है, जैसे माइनस टू और माइनस वन, माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस टू, माइनस टू, माइनस फोर हो जाएगा, सिमिलरली माइनस ए, माइनस ए, माइनस टू ए हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिख देंगे, माइनस टू ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस बी, माइनस बी, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएगा माइनस टू बी, जब दो नंबर माइनस के हैं तो ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का लगेगा, दोनों नंबर माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा, बी और बी होकर के टू बी, माइनस का साइन लगेगा, ए है। अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर होगा, एक का नहीं होगा, पहले होगा माइनस टू का, तो माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे, तो माइनस टू का होल स्क्वायर अभी पीछे भी किया था, माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस टू टू या फोर, तो ये फोर लिखेंगे, ए का स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, सिमिलरली माइनस टू का स्क्वायर फोर, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, फोर कॉमन, फोर एज ए कॉमन लेंगे यहाँ पर, इन ब्रैकेट क्या वैल्यू मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर इतना भी छोड़ सकते हो और आगे भी कर सकते हो, आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, फोर को आप स्प्लिट कर दो टू इंटू टू, प्राइम फैक्टर्स हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये पेयर बाहर आ गया टू, अब यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका यहाँ लिख दो यूनिट, ये आंसर आ गया। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जैसे अगर सिंगल नंबर ए स्क्वायर होता तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के ए आ जाता, अगर सिंगल नंबर बी स्क्वायर होता स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट के बी आ जाता, यहाँ दो नंबर का स्क्वायर तो है लेकिन दो नंबर एक साथ ऐड हो रहे हैं तो ये बाहर नहीं निकल सकते। अगर ये होता क्या होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो एक स्क्वायर कट के ए प्लस बी आ जाता, यहाँ पर ये इंडिविजुअल लगा है तो आंसर यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ए और बी, माइनस ए और माइनस बी दो पॉइंट हैं, एक्स वन लिया वाई वन लिया, एक्स टू लिया वाई टू लिया, डी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगता है, तो x2 की वैल्यू माइनस a, x1 की वैल्यू माइनस a, x x1 की वैल्यू a है, बीच में ये फार्मूला है माइनस माइनस आएगा, y2 माइनस b, माइनस फार्मूला में है पुट करो माइनस b आ गया यहाँ पर y1 की जगह, माइनस a माइनस a माइनस टू ए, माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी, माइनस टू ए का होल स्क्वायर फोर ए स्क्वायर हुआ, माइनस टू बी का होल स्क्वायर फोर बी स्क्वायर हुआ, फोर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, फोर को हमने फैक्टर्स किए टू इंटू टू, ए और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू इंटू टू का पेयर बाहर आ गया, रूट के अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये आपका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया, इस पर डिफरेंट डिफरेंट के सम करना, प्रैक्टिस करना, तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक्स। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, हमारा वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।